स्टार्ट। आज जो हिल काउंसिल में ये गैलरी जो बनी है, इस तरह की गैलरी से जो युवा लोग हैं वो कैसे है, उनको प्रेरणा मिली? मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर तशी गलसान जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक ये इनिशिएटिव लिया है, एक कुशोक पॉपुलर रिंपोचे जी के नाम पे एक लेजेंड का गैलरी यहाँ पे स्थापित करने के लिए। ये आज के समय में लद्दाख में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे लद्दाख के युवा युवती जो है, हमारे बुजुर्गों के बारे में, हमारे जो वरिष्ठ नेताओं के बारे में, हमारे भूतपूर्व लीडरों के बारे में कम जानकारी रखते हैं। तो ऐसे में आज 4 नवंबर को माननीय रिंपोचे बाकुला जी के महापरिनिर्वाण का जो 17 दिवस है, तो इस शुभ अवसर पर हमारे चेयरमैन साहब ने इनिशिएटिव लिया है। इससे वाकई हमारे लद्दाख की युवा पीढ़ियों को एक प्रेरणा मिलेगा। रिंपोचे बाकुला जी से लेके, सोनम मुंगल जी से लेके, सोनम नोरबू जी से लेके, पीनमगल साहब से लेके, उसी तरह डॉक्टर सोनम दवालनपुर, दुर्जे मुटुप साहब, उसी तरह जो है गावांग दुर्जे स्तोपदान जो वीर है, जिन्होंने वीर गति प्राप्त की है, उसी तरह जो हमारे भूतपूर्व लीडरों ने लद्दाख के लिए कैसे काम किया, गरीब के लिए और यहाँ के जो ज़रूरतमंदों के लिए अपने ज़िंदगी जो समर्पित करके जो काम किया, ऐसे प्रेरणा देने के लिए ये गैलरी का एक आवश्यकता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज
रिम्पोचे बाकुला जी के महापरिनिर्वाण दिवस पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इस गैलरी को पब्लिक के लिए डेडिकेट करने के लिए हमारे जो नए चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर टशी गेलसन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं मैसेज देना चाहूँगा हमारे लद्दाख के युवाओं को, इस गैलरी में विजिट करें, यहाँ जो बायोग्राफीज यहाँ पे लिखे हैं इनको पढ़े समझे और अपने अंदर एक प्रेरणा जगे, तो ये जो है आज मैं संदेश देना चाहूंगा इस गैलरी से। थैंक यू। आज ये गैलरी का आपने इनॉग्रेशन किया है, इसका पर्पस क्या रहा? देखिए बेसिकली ये जो लेजेंड जो गैलरी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे जो जो लीडर्स जो रहे हैं जिन्होंने लद्दाख को इस मुकाम पे पहुंचाने का एक अपना एक अहम भूमिका जो निभाया, जिन्होंने जो रोल प्ले किया है, जो लद्दाख को आज लद्दाख जहाँ पहुंचा है, उन सारे लीजेंड्स को की यादगार में जो है हमने ये एक गैलरी आज के दिन माननीय हमारे कुशोक बकुलर जी के नाम पे हमने डेडिकेटेड किया है, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो 19 कुशोक बकुला रिम्पोचे जो हमारे जो मॉडर्न लद्दाख के जो एक आर्किटेक्ट और जो यूनियन टेरिटरी, आज जिस यूनियन टेरिटरी में हम बैठे हैं और उस यूनियन टेरिटरी का हम एक तरह से उनको जो है एक फादर फिगर की तरह मानते हैं, जिन्होंने जो है लद्दाख को यूनियन टेरिटरी किया और जाने के लिए जो एक जो हासिल करने के लिए जो एक सीट उन्होंने एक प्लांट किया था। तो आज हम जिस यूपी में बैठा है वो जो है पूरा जो एक स्ट्रगल और एक जो एक मूवमेंट जो लीड किया था वो हमारे बकुला रिम्पोचे के लीडरशिप में हुआ था। तो उनको याद करते हुए ये जो आज के दिन उनके जो डेथ एनिवर्सरी जो आज का जो उनका 4 नवंबर के दिन उनका डेथ एनिवर्सरी के दिन हमने जो है ये गैलरी जो है उनके नाम पे जो है डेडिकेटेड करके जो है उन सभी लीडर्स के यादगार में जिन्होंने जो है लद्दाख के लिए अपने लेवल पे एक कुर्बानी दी है, और साथ ही साथ हमारे जो मटर्स जिन्होंने जो है यूनियन टेरिटरी के स्ट्रगल के लिए जो है अपना अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, तो उनका भी उनके भी यादगार में, तो उन सभी महान हस्तियों के यादगार में ये आज के ये मेन गैलरी जो है बकुला रिम्पोचे के नाम से सभी के लिए हमने डेडिकेट किया है। तो बाकी मैं आपको साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं आज अपने आप को बड़ा एक फॉर्चुनेट मान रहा हूँ कि मैं जो एक लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल को जो मैं लीड कर रहा हूँ, वो काउंसिल जो है इस नए यूटी में जो लीड कर रहा हूँ, वो जो बकुला रिम्पोचे ने जो सपना देखा था कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिले, और साथ ही साथ जब वो यूटी के स्ट्रगल में जो है उन्होंने जो ये जो हिल काउंसिल है डायरेक्ट मैं बोलूँगा कि ये उनका एक लेगेसी था, तो उस लेगेसी को मैं लीड कर रहा हूँ और उनके दिखाए हुए सपना जो यूनियन टेरिटरी उस नए यूटी में मैं जो है इस काउंसिल को लीड कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है आगे जाके उनके सपना को और साकार करने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।